दर पर ही आवाज है। उससे हासिल करो आपको आलम पना साल गिरा अदू को कर दे हसद से तबाह साल गिरा वजीर आजम शुक्रिया हर एक को आज खुशी है खुशी के आने की फरिश्ते भी यही कहते हैं वाह साल गिरा शहंशाह समा का वक्त बेदार उम्र दराज रहे
یہ غریب بیکت ایک فریاد لایا ہے. ایسے خوشی کے موقع پر فریاد؟ حضور میں انصاف چاہتا ہوں. ہاں شوق سے رہو, یہ تمہارا شاہ انصاف دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے. حضور شہزادے پرویز نے میری غریب لڑکی کی عصمت لوٹی. ذرا خوش تجھے اس کا ثبوت پیش کرنا ہوگا. حضور یہ لڑکی خود حاضر ہے, کہہ نہیں سکتی اپنے منہ سے جو فریاد ہے. خاندان شاہی سے اس پر ہوئی بیدار ہے. مگر حضور میں اس کو پہچانتا بھی نہیں. اے سراپا تصویر غم, کیا یہ بات صحیح ہے؟ جھوٹ, غلط الزام. جھوٹ ملاحدہ فرمائیے سرکار, یہ شہزادے پرویز کا رومال جو وہاں سے فرار ہوتے وقت رہ گیا تھا. اوف, یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ عادل شاہ کا فرزند اور بانی ستم. ابا جان, آپ بھائی جان پر کیوں خفا ہو رہے ہیں؟ خاموش. وزیر اعظم, شہزادے کو فی الحال زندان میں رکھا جائے. ابا جان, بھائی جان کو سزا نہ دینا. بیٹا نادر, انصاف کے سامنے اولاد کچھ نہیں. جل کر خود مر جائے گا. نہیں, جب تک میں پرویز کی لاش نہ دیکھوں گی میرا دل ٹھنڈا نہ ہوگا. اچھا تو اب آگے تھوڑا سا کام تمہیں کرنا ہوگا.
आधी रात को? क्या खून? नहीं, ये मुझसे न होगा। याद रखो, मैंने तुमको अपना राजदार बनाया है। मगर उसके जिस्म से बहता हुआ खून मैं न देख सकूंगा। तो जहर का प्याला। हैं? ये किसके पैर की आहट? क्यों घबराई मालूम होती हो? भाई की रिहाई की फिक्र दामन गिर है, तो फिक्र किस बात की? मलका ने भाई जान को जहर देने का मशवरा किया है। मगर तकदीर के आगे तकदीर क्या हो सकती है? इस वक्त भाई जान खतरे में है और तुझे तकदीर और तकदीर की खुशी है। लेकिन हम और आप क्या कर सकती हैं? इंसान को चाहिए कि मुसीबत में खुदा पर भरोसा रखे। ओ खुदा, मैं किससे मदद चाहूं? नोट फरमाइए। क्या कभी मैंने तेरी दिल शिकनी की? नहीं, तो फिर तूने क्यों मुझसे दुश्मनी की? शहजादे, पहले जाम को नोट फरमाइए। मुझ पर इल्जाम लगाते वक्त तुझे अपनी मासूम लड़की का भी ख्याल नहीं आया? अफसोस, पाक अस्मत बेटी पर बदनुमा धब्बा लगाने वाले बाप शर्म। बस इल्जाम को खत्म कर। अच्छा, तो तू भी इसमें शरीक हो जा। क्या मैं? क्यों नहीं? क्यों समझा? हाँ,
जिंदा रहे, मैं पीता हूँ। नहीं, इसे ना पिए। क्यों नहीं? शाहजादे ये जहर था। नहीं नहीं, ये अमृत था। वालिद का भेजा हुआ जहर भी आबे हयात है। नहीं, ये जहर बादशाह सलामत ने नहीं भेजा। तो मलका साहेबा ने। और तू? मैं गोश्त के टुकड़े पर लुभाया हुआ कुत्ता हूँ। नमक हराम ना बनूंगा। तो अंजाम भी देख ले। ओ खूबसूरत डायन, मेरी शाबाजी का अच्छा सिला दिया। Thank you.
مجھے پرویز کے افعال پر سخت رنج ہو رہا ہے. مجھے بھی اسی کا خیال ہے, مگر کیا کیا جائے, گناہ بھی تو سنگین تھا. شہزادہ پرویز فرار ہو گیا. فرار ہو گیا کس طرح؟ چند سپاہیوں کی امداد سے پرویز کا خون کر کے. پرویز کا خون؟ یہ دوسرا گناہ. درگاہ کیا بھائی جان رہا ہو گئے؟ نہیں, وہ فرار ہو گیا. کیا اس نالائق کی یہاں تک ہمت بڑھ گئی؟ وہ کیا؟ پرویز ظلم ریا کی امداد سے آپ کو قتل کرے گا اور میرا سوہاگ اجاڑے گا. جاؤ شہر میں اعلان کر دو, جو کوئی پرویز کا سر کاٹ کر لائے گا وہ ہزار دینار انعام پائے گا. کیوں پیاری, اب تو تسلی ہوئی؟ میرے سرکار, اب نادر کو تخت کا وارث کب بناؤ گے؟ جب تک پرویز زندہ ہے میں ایسا کر نہیں سکتا. بغریب کی طرف سفر کرے گا تو تیری تمام مصیبتوں کا خاتمہ ہوگا. یہ خنجر اپنے پاس رکھ, اس میں یہ کرامت ہے کہ مصیبت کے وقت
جب تو خنجر کو میان سے جدا کرے گا اس وقت تو لوگوں کی نظروں سے روپوش رہے گا اور یہ خنجر اپنا کام کرے گا ठिकाना है सौदा
लंबी यहाँ से जाना है। सौदा कर ले तूने देगा कोई लंबी यहाँ से जाना है। काफिल बंदे कुछ सोच जरा, दुनिया हर भर का ठिकाना है। काफिल बंदे कुछ सोच। चल परवेज, खुदा का नाम ले और गोता लगा। आमदीद दोजखी फरिश्ते के नजीर मेहमान खुश आमदीद। परवरदिगार ये कैसा इसरार? इन आंखों से दुनिया देखी ये भी तमाशा अब तू देख। या खुदा ये तो जिंदा है। कितनी खूबसूरत है मगर बेदार क्यों नहीं होती? ये लकड़ियां कैसी? इन आंखों से दुनिया देखी ये भी तमाशा अब तू देख। शायद किसी में कुछ राज है।
किसकी है? ये जिन का मुकाम है। तो क्या अंदेशा है? अगर उसको खबर हो जाएगी तो मार चलेगा। नाज़िर, तुम उसका खौफ न करो। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी जवानी पर तमाम आता है। ऐ गुलिस्तान दौलत की बात, ये कैसे हो सकता है? ये बात सवाल और जवाब का नहीं, खुदा के लिए जाओ। हरगिज़ नहीं। तो क्या तुमको मौत का डर नहीं? मौत से बुज़दिल डरते हैं, बहादुरों को उसका खौफ नहीं होता। मगर तुम हो कौन? मैं मुल्क यमन का शहजादा परवीज हूँ। मगर आए हुस्न की मलिका, तुम कौन हो? मैं मिस्र की शहजादी परिजाद हूँ। परिजाद, कैसा प्यारा नाम है। फूटी हुई दमदम पे अच्छा रंग चढ़ा। यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे वतन से निकालने वाली मेरी सौतेली माँ है। और तुम? मेरी वालदा ने दूसरे जवान से शादी करके उसको बच्चा बनाया। वालिद के जुल्म से मैं खुदकुशी करना चाहती थी, इतने में ये जिन मुझे यहाँ उठा लाया। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। न घबरा, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। ये तुम यक घबराने क्यों लग गई? और ये तोता क्यों चीखे मार रहा है? परवीज, ये तोता जिनका पहरेदार है, हमेशा उसके आने के वक्त इसी तरह चिल्लाता है। प्यारे परवीज, तू जा। नहीं नहीं, मैं तुझे इस आफत में छोड़कर नहीं जा सकता। तो फिर कोई तरकीब करो। आज मुझे आदम साहब की बो आ रही है। यहाँ तो मेरे सिवा कोई आदम साहब नहीं। नहीं, मेरे हथबंदी में जरूर किसी इंसान ने कदम रखा है। मैं उसको ढूंढ निकालूंगा और मार डालूंगा। तो मुझे को मार डालो। दीवानी, तुझे मारने से बेहतर है कि मैं खुद मर जाऊं। नहीं नहीं, तुम्हारे मरने से तो मैं बेसहारा हो जाऊंगी। न रो परिजाद, मेरा मरना कोई मजाक नहीं। चल देख। देख, ये कुंडा तरफ और इसमें लगा हुआ फूल, ये कुंडा मेरा तिलस्माती महल है। ये दरअसल मेरा जिस्म और फूल मेरी जान। इन पर जो कोई इंसान कब्जा करेगा वही मुझे मार सकेगा, मगर ऐसा होना नामुमकिन है।
प्यारी परिजात, आज मेरा दिल खुश करने के लिए अपना नाच बता। नहीं, आज मेरा जी नहीं चाहता। नहीं, मेरा दिल बहरा नहीं पड़ेगा। Thank you.
इन आंखों से दुनिया देखी, ये भी तमाशा अब तुम देख। मालूम है तो फिर बताओ।
उसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर दिखाने के लिए मैं तेरी आंखें खोलना चाहता हूँ। परवीज बेगुनाह था। अगर अब भी आइंदा की बेहतरी चाहो तो सब्र करो और खुदा पर भरोसा रखो। जो इरशाद। अच्छा, खुदा हाफिज। तुम इसकी फिक्र न करो, सब अच्छा होगा। मुझे आपका गाना बहुत ही पसंद आया, क्या उसे दोबारा ना सुनाओगे? क्यों नहीं बेटा, लो सुनो। अम्मी जान को वापस बख्श दे। क्यों?
समझते हो? सल्तनत हम तुम्हें सौंप देंगे? नहीं, हम सल्तनत को जलाकर खाक कर देंगे, वो खाक उसी के मुंह पर फेंकेंगे। देखिए देखिए, अम्मी जान किस तरह जिखर मार रही है। अरे वो नहीं नहीं, बिचारी को अंधी ना करो। नहीं, जैसा किया वैसा करो। बेटा गया, बहू गई, औरत गई, बेटी गई, अब बाकी क्या रहा? तख्त और ताज। मैं इससे भी नफरत करता हूँ। आलमपना, ये आप क्या कर रहे हैं? खामोश, मैं जो कुछ कर रहा हूँ बजा कर रहा हूँ। ले अब ये तू संभाल। ऐसे जंगल में चला जाऊं जहां कोई न हो, हम सुखन कोई न हो और हम जबा कोई न हो। बेदरो दीवार का ये घर बनाऊंगा, वहां कोई हम साया न हो और पास बा कोई न हो। ये तो बिल्कुल जन्नत का नमूना है। प्यारे, तुमने कभी जन्नत देखी है? नहीं। मैंने देखी है। कहाँ? यही मेरी जन्नत है। परिजाद, क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं तुम्हारे इश्क में पागल हुई। मगर मेरी तो शादी हो चुकी है। नहीं, तुम मेरे हो, मेरे पास रहो,
हो जवानी, सब कुछ देने को तैयार हूँ। तुम कहीं ना जाओ, मेरे पास रहो। ये तो उसी बुजुर्ग का गाना है। सौदा कर ले
जो गरज रहा है उसके क्या माने? अप्पा जान, मुझे सर्दी लग रही है। खामोश, मैं नालिन से कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं फैसूर, ये पानी दुनिया को बहा ले जाएगा? नहीं। शायद हमको बहा ले जाएगा? नहीं। यही वो मौका है, किसी का नाम शमसा है। ऐसा ही सूख बच्चा ने मुझसे धरा। क्यों शर्म से मुंह छुपा लिया? आ गया हाथ जो आली जा, ये मौका नहीं, आपका लड़का नादिर है। क्या वो भाग गई? संतरत का ऐसा इंतजाम जाओ करो। मुझे सर्दी लग रही है।
यही है शहजादी, गिरफ्तार करो। नया बादशाह कौन? जहां पनाह सरगाम। और बादशाह सलामत? शहजादे के गम में पागल बनकर नादिर के साथ चले गए। लेकिन मेरी बेटी को गिरफ्तार किस लिए करते हो? शाहे सरगाम के हुक्म से। नहीं नहीं,
प्यारे परवीज। परिजाद परेशान क्यों हो? परिजाद, मैंने ख्वाब में वालिद को मुसीबत में देखा। ये कौन वतन की याद दिला रहा है? खबर आपके वालिद आपके गम में दीवानावार होकर कहीं निकल गए। तो फिर तख्तो ताज कौन संभाले हुए है? वजीर सरदार। परिजाद, अब मुझे वतन जाने की इजाजत दे। तो क्या ये जमीन तुमको नहीं भाती? भाती है, लेकिन सौतेली माँ चाहे जितना प्यार करे फिर भी सौतेली है। खुदा के लिए मुझे तन्हा ना छोड़ जाओ। अगर तन्हा रहना नहीं चाहती हो तो मेरे साथ आओ। नहीं, तुम यही रहो। ये नामुमकिन है, मुझे मजबूरन जाना पड़ेगा। नहीं, नहीं। Thank you.
परवीज मुझ से जुल्म का जवाब लेने आया है। जा, चला जा। कैसे वहशी ख्याल है? छोड़ो, मुझे जाने दो। अब्बा, कहाँ जा रहे हो? बेवकूफ, रियाया पे जुल्म हो रहा है और मैं देखा करूं। लाओ मेरी तलवार, मार डालूंगा। घबरा शाहजादी, सामने देख, उस प्यारे में खाक रखी है, उसको लेकर तालाब में डाल। प्यारे तोते, उससे तेरा मतलब? तालाब में सैकड़ों इंसान मछलियां बनकर पड़े हैं, उन सबको अपनी असलियत में लाकर अपने चाहने वाले की इमदाद कर। Thank you.
महल में रहने वाली मगरूर लड़की, अब तेरी पारबाजी का यही इम्तिहान होगा। ओ खुदा, तू रहम कर। नादान, अगर तू रहम की ख्वाहिश रखती है तो मेरा कहना मान, फिर तेरे लिए वही तख्त ताज मौजूद है। मुझको देख, मैं तेरा गुलाम बनकर रहूंगा। दूर हो शैतान। देखता हूँ मेरे हाथ से तुझे कौन बचाएगा। मेरा खुदा बचाएगा। अगर ऐसा है तो देख। गुनाहगार को मौत के हवाले कर दो। रहम, रहम, आलम पनाह, रहम। क्यों? देखा, मैं तुझे 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। अगर तू मेरी न होगी तो तेरा भी यही हश्र होगा।
परवीज गिरफ्तार करो इसे। मारो मारो। ये कैसा है सर? I'm gonna make it.
ابا جان، اے جنت کے فرشتے رحم، کیا اب تک ہوش میں نہیں آئے؟ ارے کل رات کو میں کہاں تھا اور آج؟ ابا جان، کیا میری آنکھیں دھوکہ دے رہی ہے؟ ابا جان، تو کو شاید تو پرویز ہے؟ ہاں ابا جان. بیٹا مجھے معاف کر. ابا جان مجھے دعا دیجئے. اے نیکی کے فرشتے، آپ کی عنایت کا میں کیا بدلہ دے سکتا ہوں؟ بدلہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. سچا مسلمان نیکی کسی جاہ و حشمت کی غرض سے نہیں کرتا. سچ ہے، لیکن مجھے آپ کو خوش کرنے کی تمنا ہے. کیا مجھے سنہری جال میں پھنسا کر آپ خوش ہونا چاہتے ہیں؟ کیسا جال؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ فاحشہ کی شکل میں دنیا اور دولت اسی کا بنایا ہوا جال ہے، اور اس دنیا کی خوبصورتی میں پھنس کر آپ نے اپنے دربار میں ایک فقیر کو کوڑوں سے پٹوایا تھا. یعنی آپ کے عقد ثانی کی تقریب کا جلسہ اور اس فقیر کی پیشین گوئی یاد ہے جس کو آپ نے کوڑوں سے پٹوایا تھا؟ وہی میں فقیر ہوں. یا خدا، کیا آپ وہ فقیر ہو؟ اے میرے محسن، مجھے معاف کرو. معافی دینے والا وہ غفور و رحیم. اب پرویز کی تاج پوشی کی رسم بھی ادا ہو جا. یہ کیسا راز؟ اے شاہ نہ گھبرا. اس غیبی ہلال سے یہ مطلب ہے کہ تاج بجائے پرویز کے نادیر کو پہنایا جائے، اور پرویز اور پریزاد کو مصر فتح کرنے کے لیے روانہ کیا جائے. جو آمین آمین.
بیٹا پرویز مقدس جناب تم فریزاد کے ہمراہ مصر کو روانہ ہو جا اور وہاں اسلامی خدمت بجا لا بزرگی جا کے قائم کر دو تم محراب و منبر کی پلٹ جاؤ وہاں اسلام سے بنیاد ہر گھر کی پورے جھنڈے ہلالی آسمان تک دھوم ہو جائے صدا آنے لگے چاروں طرف اللہ اکبر کی اسلام کا رہو جہاد سرکار مذہب سے میٹر جاؤ تم پہ سایہ